तो हेलो दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री की सबसे मच अवेटेड फिल्मों में से एक जो कि है आदि पुरुष। जी हाँ दोस्तों, आदि पुरुष जो है वो साल 2022 में आने वाली है। यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज़ की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी का बजट लगभग 450 करोड़ रुपये के आसपास होने वाला है। तो ऐसे में इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है वो भी काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यह जो मूवी है वो रामायण पर बनने वाली है और प्रभास जो है वो इस मूवी में श्री राम जी के किरदार में नज़र आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों को बता दें कि सैफ अली खान जो हैं वो लंकेश के किरदार में नज़र आने वाले हैं। अभी हाल ही में अनाउंसमेंट की गई थी। तो ऐसे में दोस्तों ये दोनों जोड़ी फाइनल हो जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर सीता के किरदार में कौन नज़र आएगा इस मूवी में। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीता के किरदार के लिए दो नाम सबसे पहले सामने आ रहे थे, जो कि एक था अनुष्का शेट्टी का और साथ ही साथ दोस्तों दूसरे और साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस जो कि है कीर्ति सुरेश, उनका भी नाम सामने आ रहा था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि कीर्ति सुरेश और अनुष्का शेट्टी के बाद बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का भी नाम जोड़ा जा रहा है। जी दोस्तों, अनुष्का शर्मा लीड कास्ट यानी सीता के किरदार में नज़र आने वाली हैं आदि पुरुष फिल्म में, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यह खबर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो अनुष्का शर्मा है वो अभी प्रेग्नेंट है और दोस्तों बताया जा रहा है कि वह अपने बच्चे को लगभग जनवरी के महीने में जन्म देने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों पूरे एक साल तक वह फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहने वाली है। तो वह आदि पुरुष फिल्म में सीता के किरदार में नज़र आ सकती हैं, यह खबर बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि दोस्तों ये जो खबर है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि सीता के किरदार में अनुष्का शर्मा नज़र आएंगी अपोजिट ऑफ प्रभास। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत खबर है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो कंफर्म है होने वाली एक्ट्रेस है उनमें से दो नाम सबसे कंफर्म है दोस्तों। एक है अनुष्का शेट्टी का, लेकिन दोस्तों उनका नाम भी अभी एक हिसाब से कहा जाए तो 50% ही कंफर्म है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा चांसेस हैं कीर्ति सुरेश के, क्योंकि दोस्तों उनका नाम सभी ऑडियंस को खूब पसंद आ रहा है और अगर वो सीता के किरदार में आदि पुरुष फिल्म में नज़र आती हैं तो मुझे लगता है यह फिल्म और भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। दूसरी ओर दोस्तों आपको बता दें कि लक्ष्मण के किरदार के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को साइन किया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह जो मूवी है उसमें हमें साउथ के भी एक्टर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ जो है कि बॉलीवुड के भी एक्टर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि लक्ष्मण के किरदार में कौन नज़र आता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक खबर ये भी है कि अजय देवगन भी इस फिल्म में एक कैमियो करते हुए नज़र आ सकते हैं, यानी दोस्तों उनका भी एक रोल हो सकता है इस मूवी में, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों यह बात काफ़ी खास है, अगर साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री जब भी एक साथ आती है तो काफ़ी बड़ी फिल्म होने वाली है। ओम राउत का डायरेक्शन भी काफ़ी शानदार है, तो ऐसे में आदि पुरुष फिल्म जो है वो 1000 करोड़ के क्लब में भी जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि यह मूवी की जो शूटिंग है वो साल 2021 से शुरू की जाएगी और यह मूवी जो है वो साल 2022 में रिलीज़ होने वाली है। तो दोस्तों आप सीता के किरदार में किसको देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएगा। क्या अजय देवगन को यह फिल्म करनी चाहिए अगर उनको ऑफर होती है या तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि बॉलीवुड की सारी अपडेट आपको मिलती रहे।